जय हिंद दोस्तों, आज फिर से एक बहुत ही शानदार वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट हैं या फिर आपको मिस्टीरियस चीज़ें जानना, पढ़ना या फिर सुनना बहुत अच्छा लगता है, तो आज का ये चैनल आइडिया आप ही के लिए है। यहाँ पे साइड में आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाएगा। इस चैनल के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, डेली रिकॉर्डिंग। इन्होंने मात्र 10 वीडियो से अपने चैनल पे 18,000 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर कंप्लीट किया है, और इन्होंने मात्र 5 वीडियो से, यहाँ पे आप देख सकते हैं, 5 लॉन्ग वीडियो से अपने चैनल को मोनेटाइज करा लिया, और अभी बहुत अच्छा खासा अर्निंग भी कर रहे हैं। इनके प्रत्येक वीडियो का व्यूज आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, 8 दिन पहले 1.5 लाख, 3 वीक पहले 8.3 लाख, 1 मंथ पहले 14K, 1 मंथ पहले 90K, और इस तरह की वीडियो बनाना बहुत आसान है। इसका पार्ट 1 मैं बना चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया था कि डॉक्यूमेंट्री वीडियो के लिए रिसर्च कैसे करनी है, ठीक है। सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ, इमेजेस कैसे जनरेट करना है, वीडियो कैसे जनरेट करनी है, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में बता चुका हूँ। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस पार्ट में मैं आपको वीडियो एडिटिंग सिखाने वाला हूं, चैनल का कैटेगरी बताऊंगा, चैनल के कीवर्ड्स भी बताऊंगा, और साथ ही आपको एक सजेशन दूंगा जिससे आपका चैनल बहुत जल्द ग्रो करेगा, ठीक है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके लिए इस तरह के चैनल पर काम करना बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल साबित हो सकता है। इससे आपका नॉलेज तो बढ़ेगा ही, साथ ही आपका कम्युनिकेशन बढ़ेगा। अगर आप खुद से वीडियो पे वॉइस ओवर करेंगे तो एडिटिंग स्किल का टेक्निक बढ़ेगा, ठीक है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सिंपली पिछले पार्ट में मैंने सब कुछ आपको बता दिया था, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एडिटिंग कैसे करनी है। लेकिन उससे पहले आप एक वीडियो क्लिप देख लीजिए, जिसे देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि इस वीडियो में आप किस टाइप की एडिटिंग सीखने वाले हैं। तो पहले आप वीडियो देखिए। क्या राम सेतु वास्तव में त्रेता युग में भगवान राम द्वारा बनाया गया था, या फिर यह एक प्राकृतिक संरचना है? राम सेतु, जिसे आदम्स ब्रिज भी कहा जाता है, यह एक 48 किलोमीटर लंबा पत्थरों और रेत का पुल है, जो भारत के रामेश्वरम से लेकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक फैला हुआ है। तो फाइनली वीडियो देखकर आप समझ गए होंगे कि इस वीडियो में आप क्या सीखने वाले हैं। तो अब बात करते हैं कि आपको वीडियो एडिटिंग कैसे करनी है। तो एडिटिंग के लिए हम लोग काइन मास्टर एप्लीकेशन का यूज करेंगे। सिंपली काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन करना है। यहां पे आपको क्रिएट न्यू का बटन देखने को मिलेगा। सिंपली इस पर क्लिक करके 16:9 का रेशियो सेलेक्ट करके यहां पे आपको क्रिएट के बटन पे क्लिक करना है। अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, यहां पे आपको इमेज एसेट पे क्लिक करना है, कोई भी एक बैकग्राउंड चूज करके, और जितना लंबा आप वीडियो बनाना चाहते हैं उतना टाइम ड्यूरेशन आपको यहां पे सेट कर देना है। जैसे कि मैं अभी फिलहाल 1 मिनट सेव कर दिया। उसके बाद हम स्टार्टिंग में जाएंगे, यहां पे आपको लेयर पे क्लिक करना है, यहां पे आपको मीडिया पे क्लिक करना है सिंपली। उसके बाद आपका जो भी स्क्रिप्ट है, ठीक है, उसको यहाँ पे उसका स्क्रीनशॉट ऐड कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट ऐड कर दिया। उसके बाद इसको हम अपने पूरे वीडियो में सेट कर लेंगे, मतलब फ्रेम में सेट कर लेंगे। कैंची पे क्लिक करके राइट कट करते हैं। उसके बाद हम स्टार्टिंग में आएंगे और यहाँ पे रिकॉर्डिंग के बटन पे क्लिक करके डायरेक्ट आप काइन मास्टर में अपने स्क्रिप्ट को रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो किसी दूसरे एप्लीकेशन का यूज करके भी अपने वॉइस को, अपने स्क्रिप्ट को रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग लेक्सिस ऑडियो एडिटर या फिर बैंड लैब एप्लीकेशन का यूज करके अपने वॉइस को रिकॉर्ड करते हैं, तो डायरेक्ट आप काइन मास्टर में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर अगर आप इन सब एप्लीकेशन से अपने वॉइस को रिकॉर्ड करेंगे तो उसको आप यहां पे कैसे ऐड करेंगे, उसका भी फीचर इसमें दिया हुआ है। ऑडियो पे क्लिक करके आप ऐड कर सकते हैं। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा। सबसे पहले हम इस स्क्रिप्ट को रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद हम एडिटिंग के बारे में बात करेंगे। तो पहले यहां पे मैं माइक को ऐड कर लेता हूं। अभी मैं डिजिटेक का माइक यूज कर रहा हूं, ठीक है, वायरलेस माइक है। यहां पे अभी हम रिकॉर्डिंग के बटन पे क्लिक करते हैं, कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करते हैं। यहां पे आपको स्टार्ट का बटन मिल जाता है। सिंपली हम स्टार्ट के बटन पे क्लिक करके अपने इस स्क्रिप्ट को रिकॉर्ड करते हैं। क्या राम सेतु वास्तव में त्रेता युग में भगवान राम द्वारा बनाया गया था, या फिर यह एक प्राकृतिक संरचना है? राम सेतु, जिसे आदम्स ब्रिज भी कहा जाता है, यह एक 48 किलोमीटर लंबा पत्थरों और रेत का पुल है, जो भारत के रामेश्वरम से लेकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक फैला हुआ है।
हिंदू धर्म में इसका अत्यधिक धार्मिक महत्व है। कहा जाता है कि यह वही पुल है जिसे भगवान राम ने अपने बानर सेना के साथ मिलकर श्रीलंका तक पहुंचने के लिए बनाया था। तो कुछ इस तरीके से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने किसी भी स्क्रिप्ट को। अब मैं इसको रिमूव करके आपको प्ले करके सुनाता हूं कि यहां जो साउंड क्वालिटी है वो कैसा मिलता है। जस्ट हम प्ले करते हैं। क्या राम सेतु वास्तव में त्रेता युग में भगवान राम द्वारा बनाया गया था या फिर यह एक प्राकृतिक संरचना है? तो यहाँ पे ऑडियो क्वालिटी आप देख सकते हैं कोई ज्यादा खराब नहीं है, ठीक है, लेकिन बहुत बेहतर भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आप चाहें तो अपने स्क्रिप्ट को डायरेक्ट काइन मास्टर से रिकॉर्ड कर सकते हैं, या आप चाहें तो लैक्सिस ऑडियो एडिटर से अपना वॉइस रिकॉर्ड करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप किसी दूसरे सोर्स से वॉइस रिकॉर्ड कराते हैं या फिर AI से वॉइस बनाते हैं तो उसको यहाँ पे कैसे ऐड करेंगे। जस्ट हम ऑडियो के सेक्शन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप सर्च करेंगे अपने वॉइस को। जैसे कि मैंने राम सेतु से सेव किया है तो यहाँ राम सेतु सेव करेंगे, यहाँ पे हमारा ऑडियो जो है वो मिल जाएगा। जैसे कि अगर आप AI से बनाएंगे 11 Labs से, तो जस्ट मैं यहाँ पे 11 Labs सर्च करता हूँ। देखिए 11 Labs से भी मैंने बहुत सारे वॉइस बनाए हैं तो यहाँ पे मिल जाएंगे। अभी फिलहाल हम राम सेतु वाला जो वॉइस है उसको हम यहाँ से ऐड करते हैं। प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे ऐड हो जाएगा। अब जस्ट मैं आपको प्ले करके सुनाता हूँ। देखिए क्या राम सेतु वास्तव में त्रेता। अब देखिए स्टार्टिंग में ये थोड़ा सा गैप के बाद स्टार्ट हो रहा है तो इसको हम कैंची पे क्लिक करके लेफ्ट कट कर देंगे। उसके बाद फिंगर के हेल्प से इसको खींचकर स्टार्टिंग में कर देंगे। उसके बाद आपको इस स्क्रीनशॉट को डिलीट कर देना है और अब आपको अपने स्क्रिप्ट के हिसाब से यहाँ पे वीडियो क्लिप इमेजेज ऐड करना है। तो सबसे पहले मैं कुछ वीडियो क्लिप और इमेजेज यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। डाउनलोड के सेक्शन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे मैंने बहुत सारा इमेज और वीडियो क्लिप डाउनलोड करके रखा हुआ है तो एक एक करके पहले हम यहाँ पे इसको अपलोड कर लेते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि एडिटिंग कैसे करनी है, ठीक है। तो जस्ट मैं इसको अपलोड कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पे राम सेतु ब्रिज जो है उसको ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे एक और इमेज हमें ऐड करना होगा ओरिजिनल राम सेतु का। तो कुछ इस तरीके से कुछ क्लिप अभी मैंने ऐड किया है। अब आपको करना क्या है, ये जो हमारा ऑडियो है इसको खींचकर स्टार्टिंग में लाना है। स्टार्टिंग में लाने के बाद अब देखिए आपको करना क्या है, प्ले करना है। क्या राम सेतु वास्तव में त्रेता युग में भगवान राम द्वारा बनाया गया था? अब देखिए यहाँ पे क्या राम सेतु, राम सेतु वास्तव में, बस यहीं तक आपको रखना है। वास्तव में त्रेता युग में भगवान राम द्वारा बनाया गया था तो यहाँ पे दूसरा क्लिप आएगा तो कैंची पे क्लिक करके राइट कट कर देना है। यहाँ से हमारा दूसरा क्लिप, त्रेता युग में भगवान राम द्वारा बनाया गया था, बस यहाँ तक रखेंगे। उसके बाद हम ट्रिम पे क्लिक करके राइट कट कर देंगे। आगे प्ले करते हैं। बनाया गया था या फिर यह एक प्राकृतिक संरचना है, बस उसके बाद फिर कैंची पे क्लिक करके राइट कट कर देंगे। आगे देखिए संरचना है राम सेतु जिसे, अभी बस आपको ये सिंपल दिख रहा है, आगे आप देखिए कितना बेहतर ये हो जाएगा। अभी आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको 3 डॉट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, सिंपली इस पर क्लिक कीजिए। डुप्लीकेट एज लेयर पे क्लिक करना है। यहाँ पे एक और इमेज आ जाएगा, इसको जूम करके फ्रेम में फिट करना है। अब आपको थोड़ा सा आगे बढ़ना है, इसे फिंगर से खींचकर आगे जाना है और यहाँ पे आपको एक बटन मिलता है प्लस का, सिंपली आपको इस बटन पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट ऐड हो जाएगा। अब आपको फिर से स्टार्टिंग में जाना है, मतलब कि फ्रेम को ऐसे खींचना है और इस इमेज को जूम कर देना है कुछ इस तरीके से। अभी देखिए क्या राम सेतु कुछ इस तरह से आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब आपको फिर से यहाँ पे लेयर पे क्लिक करना है, उसके बाद मीडिया पे क्लिक करना है। यहाँ पे एक इफेक्ट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा, ये इफेक्ट मैं यूज करने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है, ओवरले इफेक्ट है। तो जस्ट हम इस पर क्लिक करते हैं, कट पे क्लिक करेंगे, नीचे जाकर मिक्सर पे क्लिक करके वॉल्यूम 0 कर देना है, बैक पे क्लिक करना है, उसके बाद इस फ्रेम को जूम करके पूरे फ्रेम में फिट कर देना है, नीचे जाना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ब्लेंडिंग का, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। नीचे जाकर यहां पे 2 ऑप्शन में किसी भी एक ऑप्शन को चूज करना है, लाइटन या फिर स्क्रीन, तो हम लाइटन चूज कर लेते हैं जस्ट कुछ इस तरह से। उसके बाद फिर आपको आगे जाकर और यहां से इस पे क्लिक करके कैंची पे क्लिक करके राइट कट कर देना है। अभी जस्ट देखिए आपको कैसा इफेक्ट देखने को मिलेगा। क्या राम सेतु वास्तव, हालांकि देखिए अभी ये थोड़ा सा स्लो मूव कर रहा है तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे यहां से और थोड़ा सा और पीछे जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे, पॉइंट ऐड हो जाएगा। अब इसको जूम आउट करेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है, उसके बाद स्टार्टिंग में जाकर थोड़ा सा इसको और जूम कर देंगे इधर खींच कर, ठीक है। चलिए अब हम इसको प्ले करते हैं। क्या राम सेतु, अब देखिए इससे क्या बेनिफिट होने वाला है अभी आपको समझ में आएगा। अब आपको लेयर पे क्लिक करना है, टेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे क्या राम
सेतु, जैसे कि मैंने एडिट किया था, राम सेतु लिखा, ओके किया, फॉन्ट पे क्लिक करेंगे और इधर बहुत सारे फॉन्ट मिल जाएंगे। जस्ट मैं कोई भी एक फॉन्ट यहाँ पे यूज करता हूँ, तो देवनागरी में एक फॉन्ट मिलेगा खंड बोल्ड, ये यहाँ पे एसएसएस स्टोर मिल जाता है काइन मास्टर का, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करके ओके करेंगे, देखिए यहाँ पे इसका फॉन्ट जो है वो चेंज हो गया। तो इसको छोटा करके यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपको कलर का और भी बहुत सारे ऑप्शन नीचे मिल जाते हैं, तो कलर पे क्लिक करके इसका कलर यहाँ से आप जो रखना चाहे रख सकते हैं, हम येलो रखेंगे। थोड़ा सा नीचे जाते हैं, शैडो पे क्लिक करके इसको इनेबल करना है और नीचे जाना है। ये जो स्प्रेड का नंबर है ये आपको बढ़ा देना है, मतलब कि प्लस कर देना है। यहाँ पे शैडो जो है वो जनरेट हो जाएगा, बस इसमें ज्यादा चेंजिंग आपको नहीं करनी है। अब आपको क्या करना है, प्ले करना है। देखिए क्या राम सेतु, अब देखिए जहां से आ रहा है वास्तव में, थोड़ा सा पहले खींचकर हम यहाँ कैंची पे क्लिक करके स्प्लिट कर देंगे और फिर यहाँ पे लास्ट में जाकर इस पर कैंची पे क्लिक करके राइट कट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, इसमें भी इफेक्ट यूज करना है। तो पहला वाला, ये वाला जो फ्रेम है, यहाँ पे हमने एक पॉइंट ऐड किया था, ये रेड वाला बॉल यूज किया था। तो हम नीचे क्या करेंगे, ये जो हमारा फॉन्ट है इसमें भी प्लस के बटन पे क्लिक करके, इधर जो प्लस का बटन है इस पे क्लिक करके एक बॉल ऐड कर देंगे। उसके बाद हम पीछे जाएंगे और इस फॉन्ट को भी कुछ इस तरीके से जूम कर देंगे। अब इससे आपको बेनिफिट क्या होगा ये आप देख सकते हैं, हालांकि इसका कलर हम वाइट रख के देखें तो क्या बेहतर लगता है, वाइट भी ठीक है। चलिए हम प्ले करते हैं। क्या राम सेतु वास्तव में, अभी देखिए इसमें अभी बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन देखने को मिलता है ओवरऑल एनिमेशन का, इस पर आप क्लिक करके और यहाँ पे फ्लोटिंग चूज कर लीजिएगा, ये और बेहतर हो जाएगा। देखिए क्या राम सेतु वास्तव में, अब देखिए वास्तव में यहाँ पे आ रहा है, तो हमने चेंज नहीं किया है, तो एडिट पे क्लिक करके और यहाँ से हम क्या राम सेतु को हटाकर वास्तव में कर देंगे, यहाँ पे वास्तव में बस ये हम लिख देंगे, ओके करेंगे। उसके बाद आपको इसमें भी एनिमेशन मतलब कि की फ्रेमिंग करना है, तो उसके लिए आपको प्लस के बटन पे क्लिक करना होगा, यहाँ पे इस प्लस वाले बटन पे। उसके बाद स्टार्टिंग में जाना है और इसको कुछ इस तरीके से जूम कर देना है, आगे बढ़ के इसको और जूम कर देना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए इससे क्या बेनिफिट आपको होगा, अभी जस्ट आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अभी जस्ट हम प्ले करते हैं। क्या राम सेतु वास्तव में, अब देखिए इसमें भी आपको इस पर क्लिक करके और यहाँ पे जो ओवरऑल एनिमेशन है इस पर क्लिक करके और यहाँ पे फ्लोटिंग पे क्लिक कर देना है, ये कुछ इस तरह से सेव हो जाएगा। अभी जस्ट हम प्ले करते हैं। क्या राम सेतु वास्तव में त्रेता युग में, अब देखिए ये तो अभी नॉर्मल है, आपको लास्ट में जाना है, यहाँ पे आपको पैन एंड जूम का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक करके और इसको कुछ इस तरीके से आप जूम कर दीजिएगा। अब देखिए इस क्लिप में मोशन आ जाएगा, बैक पे क्लिक करते हैं, यहाँ से देखिए त्रेता युग में भगवान राम द्वारा बनाया गया था। अभी आपको सिंपल लग रहा है लेकिन हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको क्लिप ग्राफिक्स का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है, और नीचे आपको बहुत सारे क्लिप ग्राफिक्स मिल जाएंगे जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, काइन मास्टर में ऑलरेडी अवेलेबल है, डाउनलोड कर सकते हैं। ऊपर मैंने एक क्लिप ग्राफिक्स डाउनलोड किया है, देखिए जैसे कि ये रेड पॉइंट है, इसका भी मैं यूज कर सकता हूँ, हालांकि देखिए ये कुछ इस तरह से, हालांकि ये ज़्यादा बेहतर नहीं है। तो ऊपर वाला जो है मेमोराइज ऑन फिल्म, इसमें से ये वाला इफेक्ट मैंने यूज़ किया था, तो जस्ट हम इसको चूज करेंगे, बैक पे क्लिक करेंगे। हालांकि देखिए यहाँ पे आप टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं, तो जस्ट हम इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ पे हम जो लिखना चाहें, तो हम यहाँ पे लॉर्ड रामा लिखेंगे, लॉर्ड राम मतलब कि भगवान राम, लॉर्ड राम रामा होता है, ए पे क्लिक करके यहाँ से हम फॉन्ट चेंज करना चाहें तो फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। तो जस्ट हम कोई भी एक फॉन्ट यहाँ से चूज कर लेते हैं, ओके करेंगे, तो देखिए ओके कर देंगे, यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। अब हम इसको प्ले करते हैं, देखिए त्रेता युग में भगवान राम द्वारा बनाया गया था। अब देखिए यहाँ पे ये जो इफेक्ट है अभी बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा है, तो यहाँ पे भी हम लोग एक ओवरले इफेक्ट यूज करने वाले हैं। उसके लिए हम लोग लेयर पे क्लिक करेंगे, मीडिया पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये वाला जो इफेक्ट है ये भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा। जस्ट अभी हम इसको प्ले करके पहले सुनना पड़ेगा इसको। त्रेता युग में भगवान राम द्वारा बनाया गया था या फिर यह एक प्राकृतिक संरचना है राम सेतु। अब देखिए यहाँ पे राम सेतु, देखिए ये वाला जो इफेक्ट है इसको यहाँ से कट करके हमें लगाना होगा। इस पर हम क्लिक करेंगे, ट्रिम पे क्लिक करके कट करते हैं। जस्ट देखिए,
अब हम क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा बैक जाएंगे, कैंची पे क्लिक करके राइट कट कर लेंगे, इसको खींच कर स्टार्टिंग में लाना है। जस्ट मैं अभी आपको ऐड करके दिखाता हूँ, यहाँ पे लाकर इसको सेट कर देना है, ठीक है। उसके बाद इसको पूरे फ्रेम में ऐसे फिट करना है, नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद यहाँ पे आपको ब्लेंडिंग का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके या तो आपको लाइट एंड चूज करना है या फिर स्क्रीन चूज करना है। हालांकि हम लाइट एंड चूज करते हैं और अभी मैं प्ले करके आपको दिखाता हूँ। देखिए त्रेता युग में भगवान राम थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा देते हैं। अब देखिए त्रेता युग में भगवान राम द्वारा, देखिए तो यहाँ पे त्रेता युग में भगवान राम द्वारा बनाया गया था या फिर यह, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं, जो भी फॉन्ट है इसको मूव कर सकते हैं, ये ओवरले इफेक्ट यूज कर सकते हैं, क्लिप ग्राफिक्स यूज कर सकते हैं। जस्ट मैं आपको स्टार्टिंग से एक बार प्ले करके दिखाता हूँ। क्या राम सेतु वास्तव में त्रेता युग में भगवान राम द्वारा बनाया गया था या फिर, अब देखिए इसमें भी हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में आएंगे, पैन एंड जूम पे क्लिक करके पहले वाले पार्ट को कुछ इस तरीके से जूम कर देंगे। बैक पे क्लिक करना है, इस पर क्लिक करना है, क्लिप ग्राफिक्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे ये जो मेमोरी ऑन फिल्म जो है यहाँ से कोई एक इफेक्ट चूज करेंगे, जैसे कि ये हमने चूज किया। टेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ पे डॉट आपको दे देना है, अगर आपको कुछ नहीं लिखना है तो डॉट करके ओके कर दीजिएगा। अभी जस्ट देखिए, या फिर यह एक प्राकृतिक संरचना है राम सेतु। अब देखिए यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे मैंने एक और ओवरले का यूज किया था, तो जस्ट हम लेयर पे क्लिक करेंगे, मीडिया पे क्लिक करेंगे, स्नैप ट्यूब पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये वाला जो इफेक्ट है इसमें हमको फिर से ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा यूज करें। या फिर यह एक प्राकृतिक संरचना है राम सेतु। हम यहाँ से राम सेतु बस ये वाला यूज करेंगे। जस्ट थोड़ा बैक चलते हैं, हाँ यहाँ से कैंची पे क्लिक करके ट्रिम लेफ्ट करेंगे, इसको यहाँ पे खींचेंगे, यहाँ पे नहीं हालांकि और आगे है, पहले है, यहाँ पे लाएंगे और जस्ट अभी प्ले करते हैं। बस इसको यहाँ पे कैंची पे क्लिक करके राइट कट करना है, इस पर क्लिक करके ऐसे इसको जूम करेंगे, फ्रेम में फिट करेंगे, नीचे जाएंगे और यहाँ पे ब्लेंडिंग पे क्लिक करके लाइटन पे क्लिक कर देना है। अभी जस्ट मैं प्ले करके दिखाता हूँ। या फिर यह एक प्राकृतिक संरचना है राम सेतु। अब देखिए यहाँ पे जो राम सेतु आ रहा है, सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पे नीचे वाला अब हमारा जो ओरिजिनल साउंड है इस पर क्लिक करके, कैंची पे क्लिक करके इसको स्प्लिट कर देना है और इसको थोड़ा सा आगे खींचना है और बीच वाले पार्ट में, जैसे कि ये वाला हमारा जो पार्ट हो गया, अब देखिए जस्ट हम प्ले करते हैं, बस इसको थोड़ा सा कट कर लेना है, यहाँ से कैंची पे क्लिक करके राइट कट कर लेना है। यहाँ पे हम ऐड करेंगे इंट्रोडक्शन टू राम सेतु चैप्टर वन, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा साउंड, इसको स्टार्टिंग में खींच लेते हैं। जस्ट देखिए यहाँ से राम सेतु, यहाँ से फिर हमारा स्टार्ट होगा जिसमें अब राम सेतु का ये वाला वीडियो आएगा, तो इसमें हम चैप्टर वन के बारे में ऐड करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, इस क्लिप को एनिमेट करना है। तो उसके लिए आपको पैन एंड जूम पे क्लिक करके फर्स्ट वाले पार्ट को कुछ इस तरीके से जूम कर लेना है, बैक पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको लेयर पे क्लिक करना है, टेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप इसका मतलब कि जो भी आपका वीडियो है उसका पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू राम सेतु ये हमारा पहला चैप्टर है। आई यहाँ पे बड़ा कर देते हैं, इंट्रोडक्शन टू राम सेतु, ओके करेंगे, यहाँ पे ये लिखा हुआ आ गया। अब बाकी इसमें आप फॉन्ट चेंज करना, कलर चेंज करना, ये आप खुद कर सकते हैं। नीचे जाएंगे शैडो पे क्लिक करके, बस मैं इसका शैडो इनेबल कर देता हूँ, ठीक है। बाकी आपको करना क्या है, ये जो हमारा फ्रेम है इसके हिसाब से इसको फिट करने के लिए कैंची पे क्लिक करके राइट कट करेंगे, इस पर क्लिक करके इन एनिमेशन में क्लिक करके यहाँ पे आपको लेटर बाय लेटर चूज कर लेना है। उसके बाद आपको करना क्या है, स्टार्टिंग में आना है और स्टार्टिंग में आने के बाद देखिए इसमें क्या करना है, ये जो हमारा फॉन्ट है लास्ट में ले जाकर प्लस कर देना है और थोड़ा सा इसको छोटा कर देना है। स्टार्टिंग में आना है, स्टार्टिंग में देखिए कुछ इस तरीके से स्टार्टिंग में आना है और इसको जूम कर देना है ऐसे पूरे फ्रेम में। अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ, ये देखिए इंट्रोडक्शन टू राम सेतु ऐसे आया। बस हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब एक टाइपिंग साउंड इफेक्ट ऐड करेंगे, तो यहाँ पे हम ऐड करते हैं टाइपिंग, जस्ट ये वाला जो प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे ये यहाँ से ऐड हो जाएगा। बस यहाँ तक हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, कैंची पे क्लिक करके राइट कट करते हैं और पीछे वाला जो फ्रेम है इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे, इसको भी थोड़ा सा बढ़ा देंगे और जस्ट अभी प्ले करते हैं राम सेतु, थोड़ा सा और इसको बढ़ा देते हैं, ठीक है, ताकि ये अच्छा दिखे। अब देखिए राम सेतु जिसे
अब देखिए यहाँ से राम सेतु आ रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको आगे खींच देंगे कुछ इस तरीके से, ताकि ये और आगे से स्टार्ट हो। अब मैं प्ले करता हूँ राम सेतु। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो फाइनली ये हमारा टेक्स्ट भी आ गया, और उसके बाद हमारा यहाँ से मेन पार्ट अब स्टार्ट होगा राम सेतु। अब जैसे कि ये वीडियो है तो इसमें वाटरमार्क दिख रहा है नीचे पिक्सबर्ज का, तो हम पैन एंड जूम पे क्लिक करके इसको यहाँ से कुछ इस तरीके से जूम करके ओके पे, मतलब कि इक्वल साइन पे क्लिक कर देंगे, बैक कर देंगे। तो यहाँ तक आई होप आप समझ गए होंगे। जस्ट मैं प्ले करके आपको दिखाता हूँ इसी तरीके से डॉक्यूमेंट्री वीडियो की एडिटिंग करते हैं। हालांकि ये बेहतर तब लगेगा जब इसमें हम एक परफेक्ट बैकग्राउंड म्यूजिक यूज करें। तो हम इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे सर्च करेंगे डॉक्यूमेंट्री। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही रखा हुआ है, जस्ट हम ये वाला जो है प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे, ऐड हो जाएगा। यहाँ से इसको कट करेंगे, कैंसिल करेंगे, इसको कट करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, बैकग्राउंड म्यूजिक का जो फ्रेम है उसको चूज करना है। मिक्सर पे क्लिक करके इसके वॉल्यूम को आप 30 या फिर 40 रखिएगा, जैसे मैं 30 रखता हूँ। अब हम प्ले करते हैं, देखिए। क्या राम सेतु वास्तव में त्रेता युग में भगवान राम द्वारा बनाया गया था, या फिर यह एक प्राकृतिक संरचना है? राम सेतु, जिसे आदम्स ब्रिज भी कहा जाता है। तो कुछ इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट्री वीडियो की एडिटिंग कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने जितना डिटेल से आपको समझाया है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो कुछ इस तरीके से एक एक करके आप अपने स्क्रिप्ट के हिसाब से यहाँ पे क्लिप और वीडियो क्लिप ऐड करते जाइएगा, इमेज और वीडियो क्लिप, ठीक है। और जब आपका वीडियो एडिट हो जाए तो अप एरो पे क्लिक करके यहाँ से आप अपने वीडियो को सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डॉक्यूमेंट्री वीडियो की एडिटिंग कैसे करते हैं। अब बात करते हैं कि इस तरह के चैनल किस कैटेगरी में आते हैं। तो इस तरह के चैनल को आप एजुकेशन कैटेगरी में रखेंगे। अब बात करें कि इसमें कीवर्ड क्या ऐड करेंगे, तो यहाँ पे जो भी कीवर्ड आप देख रहे हैं ये आप अपने चैनल के कीवर्ड सेक्शन में ऐड कर सकते हैं। तो जो भी बाकी बातें थी वो सब कुछ मैं आपको इस पार्ट में बता दिया। लेकिन अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो जाकर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर देखिए। और ये जो चैनल आइडिया है इस पे आप भी अपना चैनल चाहे तो स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों आई होप आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसा यूजफुल कंटेंट हमेशा लाता रहता हूं। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, एंड फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।